नमस्ते आप सभी को, आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल में स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ ऐसे हेल्दी और टेस्टी मिल्क शेक की रेसिपी। इसके पहले आपने इसको देखे होंगे ना ही आपने पिया होगा, तो इसको आप मगर एक बार बना के बच्चे लोग को पिला देंगे ना, तो बच्चे लोग इसको मांग मांग के रोज रोज आपसे बनवा के पियेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो पसंद आएगा फ्रेंड्स तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब मैं नया वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 4 से 5 अंजीर ले लिया है, 2 छुहाड़ा ले लिया है, 10 से 15 यहाँ मैंने बादाम ले लिया है। इसको अभी हमें भिगा करके 2 से 3 घंटे के लिए रख देते हैं। इसको ढक देने का है तो 2 से 3 घंटे तक मैं इसको भिगा करके रखने वाली हूँ। तो अभी यहाँ ये एकदम अच्छे से फूल चुका है, सारा मिक्सर के जार में पानी के सहित डाल देंगे। इसको आधा ग्लास इसमें दूध डाल देंगे, मात्रा के हिसाब से इसको मीठा करना है, जितना आप मीठा पसंद करते हो इसमें डाल सकते हैं। मैं यहाँ 1.5 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्सर के ग्राइंड में अच्छे से इसको ग्राइंड करके ले लेंगे। यहाँ मैंने इसको अच्छे से मिक्सर के जार में ग्राइंड करके पीस करके ले लिया है। तो इसको ग्लास में ट्रांसफ़र करेंगे, इसमें हम डाल देंगे बर्फ। आप चाहे तो फ्रीज में रख के भी ठंडा ठंडा इसको पी सकते हैं। इसको हम ग्लास में भर देंगे। आप इसको ठंडा भी पी सकते हैं, नॉर्मल भी पी सकते हैं। अब इसके ऊपर से कटा हुआ बारीक बादाम डाल देंगे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, पिस्ता भी डाल सकते हैं, अगर नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। अब मेरा अंजीर और बादाम मिल्कशेक बनके तैयार हो गया है। ये बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाता है, आप ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनता है। तो मेरी आज की अंजीर और बादाम की मिल्कशेक कैसी लगी फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप भी ज़रूर बनाइएगा, ये बच्चे लोग के लिए और बड़े लोग, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी चटपट बनने वाली अंजीर और बादाम की मिल्कशेक आपको कैसी लगी। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी लगता है पीने में, ये बहुत ही कम सामान से और बहुत ही कम समय में बनके तैयार हो जाता है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और मेरी आज की रेसिपी अपनी फैमिली फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिएगा। और वीडियो पसंद आएगा फ्रेंड्स तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब मैं नया वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।